हर राष्ट्र के लिए उसके फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व गर्व की धरोहर होते हैं। हर राष्ट्र के नागरिक का फर्ज होता है कि वे उनका सम्मान करें, उनको संभाल कर रखें और निश्चित तिथि पर उनको पूरे गर्व और जोश के साथ मनाया जाए। तो हमारे भारत के जो नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय जो त्यौहार हैं, तीन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 15 अगस्त 1947 जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 जिसमें हमारा देश का संविधान लागू हुआ, और 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। और आपको सबको मैं बधाई देते हुए बहुत हर्ष और खुशी महसूस कर रहा हूँ। कल हम लोग अपना देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, और 26 जनवरी 1950 से हमारा जो राष्ट्र है वो गणतंत्र गणराज्य कहलाया, जिसकी पूरी पूरी तैयारी लगभग हमारे पूरे देश में सभी संस्थानों में, सभी राज्यों में हो चुकी है। तो भारत में हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भव्यता के साथ मनाया जाता है। जनपथ नई दिल्ली में शानदार परेड जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना शामिल है और देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। इस दिन का पालन किया जाता है और पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को सलूट, सलामी, हर नागरिक करना अपना फर्ज समझता है, गर्व महसूस करता है। वर्ष 2021 में ये भारत के, हम अपने देश के 72वें 72वें गणतंत्र दिवस के औचित्य रूप में मना रहे हैं। हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई मसौदा समिति द्वारा नए संविधान का मसौदा जो तैयार किया गया था, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसने एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में भारत के अस्तित्व की पुष्टि की। 26 जनवरी को तारीख के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, जो औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा थी। मतलब 1930 में जो स्वतंत्रता की घोषणा की थी वो 26 जनवरी को थी, उसके आधार पर 26 जनवरी को 1950 में इस तारीख को चुना गया। ये कार्यक्रम उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण करते हैं, शहीदों का सम्मान करते हैं। इसके बाद 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रगान और उसे जो है सलामी देना आदि शामिल है। परमवीर चक्र जो अशोक चक्र और वीर चक्र के रूप में बहादुर सैनिकों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बच्चे जो देश के नागरिक अपने अपने इलाके से चयनित करके यहाँ भेजे जाते हैं, जिन्हें राजपथ पर हाथियों पर बिठा के सम्मानित सलामी दी जाती है और राष्ट्रपति के हाथ से उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। नागरिकों के साहस का परिचय होता है। वीरता पुरस्कारों के विजेता सैन्य जो सैनिक हैं वो जीपों में सवार होकर राष्ट्रपति को सलामी देते हुए राष्ट्रपति राजपथ से गुजरते हैं और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। सशस्त्र बलों, पुलिस और राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा मार्च पास्ट किया जाता है, राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है राजपथ से, और जो विभिन्न रेजिमेंटों से सलामी स्वीकार करते हैं। परेड का समापन तब होता है जब अपने जो लड़ाकू विमान हैं, जो जेट फाइटर हैं, वो सलामी मंच के राजपथ के ऊपर से तिरंगे के अलग अलग रंग छोड़ते हुए निकलते हैं और पूरा हवा में, आसमान में तिरंगे का निर्माण करते हुए, फूलों की बरसात करते हुए पब्लिक के ऊपर से गुजरते हैं। ये उत्सव वैसे तो पूरे भारत में, देश में मनाया जाता है, लेकिन इसकी असली झांकी जो है
हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बाहर देखने को मिलती है, जिसे राष्ट्रीय चैनल पर पूरा का पूरा पूर्ण रूप से दिखाया जाता है। हर आदमी को ये महसूस होता है कि मैं भी आज हमारी राजधानी दिल्ली में हूँ और ये परेड का जो है मुआयना, परेड का प्रदर्शन खुद वहाँ बैठकर अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो आप भी कल अपने जो है दूरदर्शन प्रसारण पर, टीवी पर पूरा प्रोग्राम देखें और पूरे दिन खूब हर्षोल्लास, खुशी के साथ, उमंग में, ताजगी से भरे रहें, देश की रक्षा में, देश की सेवा में, देश के सम्मान में, देश के गर्व के साथ, और अच्छा कर्म करूंगा देश के लिए, अच्छा नागरिक बनूंगा और देश के लिए एक अच्छा मानव साबित होऊंगा। इस कोशिश के साथ जीवन बिताना है। और एक बार फिर मैं सभी को, आपको, हमारे देश के 72nd 72वें गणतंत्रता दिवस पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।